पाएगा, कब किसी संत के उसके ऊपर कृपा हो जाएगी। मैं सिखाता तो नहीं सीख पाता, अब ये भटका है, इसको चोट लगी है, ये समझ आएगा। रोज रोज जैसे सबरी देखती थी राम को, वैसे गुरु देखता था कब मेरा शिष्य है। आज शिष्य को आया, देखा चेहरा प्रसन्न है, समझ गए उत्तर मिल गया है। जिसने आधार प्राप्त कर लिया वो वट वृक्ष हो गया, जब तक आधार नहीं मिला जरा सी पेशाब में इधर उधर भटकता है। जिनको आधार मिल गया है वो सुस्थिर हो गए, वरना सारी दुनिया। संत की कृपा प्राप्त हो गई, आधार प्राप्त हो गया, प्रश्न हुआ ये दुख की निवृत्ति कैसे। विदुर जी ने कहा महाराज मुनिवर मैत्रेय जी, दुनिया सुख के लिए काम करती है, दुख क्यों होता है? हमने आपको स्मरण कराया, हमसे वो अध्यापक पूछते हैं संसार में भगवान की इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता है, नहीं सब गुरु कृपा और शास्त्र कृपा से मैं उत्तर देने की चेष्टा करूंगा। बिना गुरु की कृपा के शास्त्र का रहस्य समझ में नहीं आता है। किताब का यथा खरा एक गधे के ऊपर चंदन लग गया, या भगवान की मूर्ति का चंदन क्या करना है, उसमें चंदन लिखा है, ये था खरा चंदन भारवाही। गधे के ऊपर किसी ने भगवान की मूर्ति ला दी ले चलने के लिए, गधा ये नहीं समझ रहा है कि मेरे ऊपर ठाकुर जी विराजमान है, वो तो ये समझ रहा है मेरे ऊपर डेढ़ मन का वजन लाद दिया है। अगर उसे पता चल जाए अरे मेरे ऊपर तो कृष्ण नदे हुए हैं तो आनंदित हो जाए, लेकिन वो चूंकि कृष्ण को नहीं जानता है इसलिए बोझ से भरा है। यथा खरा चंदन भारवाही भारत से लेता न खर चंदन, शास्त्र का बोझा तो सिर पे लाद रहा है, शास्त्र का रहस्य नहीं पता है इसलिए शास्त्र बोझा होता है। शास्त्र गुरु कृपा से मुखस्थ हो जाता है, कर्तर्गत आमलक समाना, ये गुरु कृपा से होता है। शास्त्र की सेवा की जाती है, हम लोग गोपाल दास बनाते तो सिर पे रखते हैं, पोथी को प्रणाम करते हैं, कई बार लोग कहते क्या करे उल्लू है, अरे हिंदुस्तानी खास तौर से हिंदू लोग और इसमें दाढ़ी वाले बाबा लोग, अरे किताब ही तो है नया बाजार से खरीद करके, इसको दंडवत क्या करनी, 100 किताबें खरीद लो पैसा पे करके, पैसा फेंको। और उनको मालूम नहीं है, वो किताब समझते हैं और हम इसको ग्रंथ समझते हैं। सर्व संस्कृत इस ग्रंथ की कृपा से हृदय की ग्रंथि खुलती है और सब संशय शास्त्र है, श्री कृष्ण है हमारे मुरलीधर ने इसका नाम त्र्यंबकेश्वर स्वामी, ये भगवान है, इसलिए हम प्रणाम करते हैं। इस किताब को, इस कागज को, इस लकड़ी को, इस स्याही को हम प्रणाम नहीं करते, इसके माध्यम से जो प्रकट हो रहा है हम उसको हम इतने बेवकूफ नहीं है जो पत्थर को प्रणाम करते हैं, हम इतने गधे नहीं है जो कपड़े को और उनके श्रृंगार को प्रणाम करते हैं। इन कपड़ों, इन वस्त्रों, इन अलंकार, इस पत्थर के शब्दम पापम माध्यम से हम उस चरम श्री ब्रज बिहारी भगवान का दर्शन करते हैं। हम पत्थर को प्रणाम नहीं करते हैं, हम अपने माई डियर ब्रज बिहारी को प्रणाम, हम इन अस्थि चर्म में देह को प्रणाम नहीं करते हैं, इनके रोम रोम में जो परम ब्रह्म परमात्मा अगर विष्णु विराजमान रहे हैं, प्रेषोच्चारण मात्रेण नर नारायण भवते भवे,
इनमें नारायण का दर्शन करते हुए हम इनको प्रणाम करते हुए ओम नमो नारायण आय कहते हैं, जय श्री कृष्ण करते हैं, आप श्री कृष्ण हो हम आपकी जय हो कहके अपने हृदय में भगवान का प्रेम। तुम क्या देख रहे हो? पुस्तक देख रहे हो कि ग्रंथ देख रहे हो? हम ग्रंथ को प्रणाम करते हैं। ग्रंथ का ग्रंथ जो है हृदय की ग्रंथि को खोल देता है। ग्रंथ का पुरस्कार, ग्रंथ का प्रसाद, गुरु हृदय की ग्रंथि खोल देते हैं, सब संशय का निवारण करते हैं। कब? तब विधि उसको जब प्रणिपातेन परिप्रश्नेन से जिसको आधार मिल गया है वो बड़े बड़े हाथियों को रोक सकता है। जो निराधार है वो पेशाब की धारा में भटकता फिरता है। आज संसार में वही भटक रहे हैं जिनको गुरु का सहारा नहीं है। जिनको गुरु का सहारा है वो तुमने भी मौजूद कर एक भजन गाया जा रहा था, गुरु रुसता रुसदा रुस जाता, बिल्कुल गलत। मेरे से पूछो, गुरु कभी रुसता ही नहीं और रुस सकता ही नहीं, वो तो रुसता आउंदा ही नाटक भले कर ले, चल निकल आश्रम से, हटाओ निकल आश्रम से, क्यों हंसा तू? जब तक हंसने का राज नहीं पता चलेगा तब तक हटाओ। ओहो, ये नकली जो सोना होता है ना ज्यादा चमकता असली से, ये नकली क्रोध होता असली क्रोध से कहीं ज्यादा चमकदार होता। निकल हटाओ, रोटी पानी कुछ नहीं, कितना कुल्लू गुरु है। अरे तू हंस रहा था, चेहरे रहते हुआ क्या? इतनी जरा निकलती के लिए घटाओ, निकलो आश्रम से, भाग जाओ। अब बेचारा कहां से ढूंढेगा, तुम क्यों हंस रहे थे? लेकिन गुरु की बेवकूफी आखिर में शिष्य के कल्याण का हेतु बनी ही नहीं। इसलिए अपार श्रद्धा रखो। गुरु चमड़ा नहीं है, गुरु की गलती हो सकती है, गुरु के शरीर की गलती हो सकती है, लेकिन गुरु तत्व कभी गलती नहीं करता है। तुम्हें गुरु तत्व की शरण लेनी है, उसने कभी विकार हो सकता। अगर उसका कोई विकार दिखता है वो तुम्हारे संस्कार के लिए। राग गंदी चीज है, लेकिन कढ़ाई की गंदगी को, कढ़ाई की चिकनाई को शास्त्र की सेवा, गुरु की सेवा, तन से भी सेवा होती है, वस्तुतः सेवा मन। कई लोग तन से तो करते हैं लेकिन मन से नहीं कर पाते हैं। मन में न जाने क्या क्या सोचते हैं, जाने दो गुरु जी तो वो रहे नहीं, पहले घंटों घंटों हम उनके पास बैठते थे, अब मेरी तरफ देखते ही नहीं है। अरे ये तो देख, तू तो देखने के काबिल चेहरा लेके आया है कि नहीं आया? अपना चेहरा नहीं देखता? क्रीम पाउडर लगाने से चेहरा नहीं होता है? तेरे अंदर भावना और दुर्भावना क्या है, इसको मिटा। गुरु ने जो तुझे कहा उसका पालन कर रहा है? अगर गुरु की आज्ञा, गुरु को तो मानते हैं, गुरु की नहीं मानते हैं, गुरु उनको कैसे मानते? गुरु को मत मानो लेकिन गुरु की जरूर मानो। भटक रहे, भटको, हो भटको, गुरु का क्या बिगड़ने वाला? गुरु के गुरु ने तो उसको संभाल ही रखा है। तुम्हारी भटकन दूर नहीं होगी जब तक तुम गुरु की अपनी अकल को ताला बांध के मेरी तरह लटका दो। चल बेकार चीज है, क्या करो? अनलर्न व्हाट यू हैव लर्न सो फार व्हेन यू कम टू सर्व। सदगुरु की सेवा का मतलब यही है कि हम अपना अभिमान आपके चरणों में अर्पित करते हैं। हमारे ज्ञान का अभिमान, हमारे रूप का अभिमान, हमारी सेवा का अभिमान, हमारे धन का अभिमान, हमारे पद का अभिमान, ये सब का सब गुरु के चरणों में। लोभी गुरु लालची चेला,
दोनों नरक में ठेलम ठेला, ये सच बात है। लेकिन उसका लालच कैसा है ये समझना तुम्हारे बस की बात नहीं। निकल जाओ आश्रम से, कितनी बेवकूफी की बात है। अरे हंस दिया चेला, हंस दिया, निकलो, कितनी मूर्खता की बात। लेकिन गुरु ने अगर कहा निकलो और इसका उत्तर लेके आओ, झांका नहीं, रोया होगा हर दिन हर क्षण, रोया होगा हाय कब गुरु के पास जाऊंगा। और वही रुदन आखिर संत की कृपा के रूप में गुरु के प्रसाद से गुरु के चरणों में तत्व का रहस्य प्राप्त करा के ले आए। ये गुरु की कृपा है, इसको कठोर कृपा कहो चाहे मृदुर कृपा कहो, ये तुम्हारे हाथ में। हमने इस रास्ते पे चल के देखा है, इसलिए आपसे प्रार्थना। गुरु की सेवा करनी है, शास्त्र की सेवा करनी है, मास्टर साहब पूछते हैं, संसार में पत्ता हिलता है भगवान की इच्छा से हिलता है कि नहीं? जो संसार में हो रहा है भगवान से हो रहा है, भगवान की कृपा से हो रहा है। मैंने से हिलाया क्या कह सकता, भोजन मेरे पास, उस दिन में एक मास्टर नहीं क्या राष्ट्र देवी क्या भोजन करा, तब का प्रश्न है, वो भी मास्टर नहीं कभी। तो महाराज हम जो कुछ कर रहे हैं भगवान की इच्छा से कर रहे हैं। मैं कहां जान में फंसाना चाहता वो तो देखो, जान में फंसा रहे जो कुछ हम कर रहे हैं भगवान करा रहे हैं। उन्होंने उदाहरण दिया, मैं खंडन करूं, उमा दाद योषित की नाई सब ही नचावत राम, कठपुतली की तरह राम सबको नचा रहे हैं। कठपुतली ना किसी को मारती ना तारती है, वो जैसे ऐसे ऐसे हाथ हिलाता है वो कठपुतली वाला, वैसे कठपुतली नाचती है, उसका अपना क्या। राम तीन चाहे सोई होई करई अन्यथा अस नहीं कोई, राम ही करवा रहे करण करावन आपे आप गुरुवाणी में आया। तो जब सब भगवान ही करा रहे हैं, भगवान की इच्छा से सब हो रहा है, तो हमको पाप पुण्य क्यों लगता है? हम पापी कैसे, भगवान ने कराया। पाप का मूल कहां है, हमें नरक क्यों पड़ता है? बड़ा बढ़िया पड़ता है, एक बार तो हमारे पैर के नीचे भी धरती सरक गई, लेकिन फिर वही गुरु और शास्त्र की कृपा ऐसे समय। और मैं आपसे सच कह रहा हूं, कभी कभी परसों के प्रवचन के बाद मैं कहा था संतों के पास जाकर के और भी, कि कई कई बार ऐसी बातें भगवान इस इंस्ट्रूमेंट से कहला देते हैं, हमको भी सुन के आनंद आता है और पीछे हम भी बात क्या बात है। मेरा अभिमान नहीं है, जिसने कहलाया है उसको अप्रिशिएट करता हूं, तुमने आज इस इंस्ट्रूमेंट से क्या कहला दिया। आप लोगों को शायद विश्वास न हो, लेकिन मैं कहना चाहता हूं जैसे आप लोग सुन रहे हो ना, वैसे मैं भी इस भागवत को सुन रहा हूं। जितने मन से आप सुन रहे हैं उससे कम मन से मैं नहीं सुन रहा हूं। बहुत बार ये बातें सुनी है, लेकिन फिर भी सुन रहा हूं, जितनी बार सुनता हूं उतनी बार नया नया सुना। गुरु की कृपा, शास्त्र की कृपा हुई, हमने कहा माई डियर भगवान ही सब करवाता है, भगवान की इच्छा के बिना पत्ता नहीं। लेकिन मैंने कहा उदाहरण देता हूं, अब तुम पठानकोट वालों का उदाहरण दे दे तो क्या है, दुनिया भर का फल आप लोग लेके इकट्ठा कर देते हो, क्या करें हम बांटते, हमारे पढ़ने में सात आठ पेटियां लाद के लिए तक छठे हुए फ्रूट देखो तो तुम्हारा मन खुश हो गया, इतनी बड़ी बड़ी नाश्ते मेरे ख्याल से 400 ग्राम की तो एक होगी, 350 ग्राम तक कम की नहीं, तुम चाहे कितना को एक एक 350 ग्राम की है, बड़ी फर्स्ट क्लास, क्या कितनी खाएंगे बहुत। तो बड़ी आप लोगों ने पहले दिन जो थे उनको मिली, हमारे पास सेब की पेटी आई और हमने किसी से कह दिया दे भाई ये सेब की पेटी बांट सबको दे। तो गुरु की आज्ञा से गुरु का सेव
गुरु की संगत में बढ़ रहा है। पाप होने का कोई मतलब ही नहीं, पुण्य होना चाहिए, गुरु की सेवा हो रही, कोई आ रहा सबको से। बांटते बांटते लाइन में देखा सातवें नंबर पर मेरी साली खड़ी हुई है। ओ, क्या बात, साली को देखते या फिर पूरी पेटी हिला दी। और जो सबसे बड़ा सिर दिखाई पड़ा उसको अभी सबको देते गए। और सातवें नंबर पर वो जो अलग बड़ा सिर था ना, साली के हाथ में बड़ा वाला सेब धर करके बड़े याद करना जीजा जी ने तेरे पर कितनी कृपा। उस साली को पता भी नहीं, लेकिन जीजा जी खुश हुए जा रहे फ्री में। समझे, गुरु का प्रसाद गुरु के शिष्य में बांट रहे, पाप नहीं होना चाहिए ना। और देखा आगे पांचवें छठे नंबर पर, अच्छा बच्चू तुम आए हो, आओ प्रसाद ने दूंगा प्रसाद, हाँ चल। फिर और नीचे जो दब गया था शिव ना, सड़ गया था, वो निकाल के धर दिया सबको और से दे दिए। और जब वो आया तो उसको सड़ा हुआ मैंने को दे देगा, देखा सड़ा हुआ सेब उसको दे दिया। और अब बड़ा प्रसन्न है उस बेचारे को, तो समझा मेरे भाग्य से आया सेव, गुरु का प्रसाद है। लेकिन ये बड़े प्रसन्न होने जा रहे हैं, बच्चू जाओ खाओ जाके सेव, हमको वो सड़ा हुआ सेव। समझ गए, अब ये जो सड़ा हुआ सेव दिया, ये बड़ा सेव दिया, ये क्या पुण्य है? बोलो क्या है? गुरु जी ने करवाया, गुरु जी ने कहा उसको सड़ा हुआ सेव दो, गुरु जी ने कहा उसको बड़ा सेव दो, कि किसने कराया? मेरे अभिमान ने कराया, ये मेरी साली है और ये मेरा दुश्मन। समझ गए, अगर अपना अभिमान नहीं रखो, भगवान ही करा रहे हैं ये तुम्हारा विश्वास हो, हत्वा पिसा ईमान लोकान न हंती न निबद्धते। सारी दुनिया को मार भी दो लेकिन अगर भगवान करा रहे हैं ये तुम्हारे मन में दृढ़ भावना है, मैं नहीं कर रहा हूं भगवान कर रहे हैं। हत्वा पिसा ईमान लोकान, एक आदमी की तो क्या कहे, पूरी दुनिया को भी मार दो, ना हंती ना निबद्ध, ना वो मारता है ना उसको फांसी की सजा। और अभिमान पूर्वक किसी को तुमने मारने की चेष्टा की, वो मरे ना मरे, नहीं मरा तो भी अटेम्प्ट टू मर्डर में 307 का मुकदमा लग जाएगा। कौन बात कराता है मास्टर साहब, समझ गए? मास्टर जी ने कहा हाँ हम समझ गए, पाप भगवान नहीं कराते हैं, पाप हमारा अभिमान कराते हैं। दुखी और सुखी हमारा अभिमान। अब हमारे सामने से परोठा के थाले खींच ले जाते हैं, अब हमको बिल्कुल तकलीफ नहीं होती। मेरा बड़ा मन होता है इतनी मलाई डाल करके दूध पीने का, और मलाई हटा के दूध लाते हैं तो मलाई मिल जाती कभी कभी, तो क्या बताऊं। लेकिन जब नहीं मिलती है तो मुझे दुख नहीं होता है, तो मलाई हटा के आते हैं मैं प्रसन्न रहता हूं। क्यों? मुझे भरोसा है भगवान जो दे रहे हैं वो हमारे हित के लिए ही दे रहे हैं। ये अगर हमारे मन में भाव आ जाए हमको कोई दुखी कर पाएगा? दुखी और सुखी हम, ये क्या है अभिमान? सेयम भगवतो माया यन्न येना विरुद्ध, ये भगवान की माया है जिससे हम सुखी और दुखी हो रहे हैं। तो कैसे निकले? माम एव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तर्पय, जो मेरी शरण में आते हैं
जो सर्कस वाले की शरण में आते हैं, सर्कस का रहस्य जान जाते हैं, भटकते नहीं। इसलिए विदुर जी अशेष संक्लेश समम विधत्ते गुणानुवाद श्रवणम मुरारे। भगवान मुरारी श्री कृष्ण के गुणानुवाद का कहना और सुनना अशेष माने सबके सब संक्लेश, जितने क्लेशों का नाश हो जाए, हो सकते जितने क्लेश उन सब का नाश हो जाता है जब भगवान मुरारी के गुणानुवाद सुनते। कैसे नाश होता है? मुरारी के गुणानुवाद से भगवान के आकार आकारिक हमारा अंतःकरण हो जाता है, सब जगह निज प्रभु मैं देख रही जगत। जब सब जगह हम ही दिख रहे हैं, एक बात बताइए डॉक्टर, लखनऊ की बात है, अब इसके आगे नहीं बताऊंगा। लखनऊ में एक परिवार में हम ठहरे थे, माता जी का बड़ा प्रेम था, ठहरे तो उनके पुत्र की जेब से 100 रुपए का नोट निकल गया था। अब बड़ा हल्ला मचा है, सवेरे सवेरे मैं अंदर बैठा था, किसने नोट लिया? अब तो 100 रुपए क्या 1000 रुपए के नोट की कोई वैल्यू नहीं, उस समय 10 रुपए का नोट भी तोड़वाने के लिए कई बार लोग विचार करते थे, अरे क्या करें 10 रुपए का नोट तोड़वाए खर्च हो जाएगा, 100 रुपए का नोट तो लोग बड़ा संभाल के रखते, बड़ी मुश्किल से तोड़वाते, 100 रुपए के नोट चला गया, हल्ला मचा रखा। मैं घर में तमाशा देख रहा, किसने लिया, चिल्लों मचाए हुए थे। तो मैंने देखा थोड़ी देर बाद उनकी पत्नी अंदर से बात पूछ ली, ऐसे करके दांत से, मुझे अब तक याद है, दांत से पकड़े, क्यों दांत से कपड़ा क्यों पहन के आए, होगा कुछ, ऐसे पकड़ गए, क्या रुपए चले गए, ओम शांति शांति शांति, उनका एकदम क्रोध एकदम शांत हो गया, नोट गया, नोट आया नहीं, लेकिन मेरी पत्नी के पास गया ना, बस सारा क्रोध आधे सेकंड के अंदर दूर हो गया, पत्नी के पास है, पति से डरते थे ये बात नहीं है, लोग वैसे भी है, पत्नी अगर कह दे तो लोग। एक बार विदेश में एक राजा था, अब इसकी शादी नहीं हुई थी, नया नया बना था, तो मंत्री कोई चर्चा चली तो मंत्री कहा मैं लेट कर, मेरी पत्नी ने थोड़ा लेट कर दिया, इतनी पत्नी क्या क्या मानते हो, महाराज आपका विवाह नहीं हुआ है ना, इसलिए आपको पता नहीं है क्या हालत होती विवाह के बाद, वो तो एक ही दिन होती है, उस एक दिन को छोड़ करके बाकी क्या बात करते मंत्री, सब ऐसे महाराज सच्ची है, अच्छी बात है, आज मैं पूछूंगा। मैंने खड़ा करके पूछा, ए पूरी सब कितने लोग हो, जो लोग अपनी पत्नी की आज्ञा में झूठ नहीं बोलना राजा के सामने, राजा भगवान होता है, नराणाम चराधिपा, क्यों नहीं बोला, जो लोग अपनी पत्नी की आज्ञा में रहते हैं वो बाएं तरफ हो जाएं, और जो पत्नी की आज्ञा में नहीं रहते वो यहीं खड़े रहे, सारी की सारी संगत एक तरफ, एक आदमी खाली का रखा। राजा ने कहा चलो, एक चंद्र तमोहम थी न तारा गण शतई रती, इतने ना मर्दों में एक मर्द तो तू निकला, वाह शाबाश, तू पत्नी की बात नहीं मानता है ना, नहीं ऐसी बात नहीं, तो खड़ा क्यों रहा, मेरी पत्नी ने कहा था भीड़ भाड़ से अलग रहना, इसको मेरी पत्नी क्या क्या है भीड़ में नहीं रहना, हम तो भूल गए इसमें पत्नी की आज्ञा, हम क्या कथा कर रहे थे, हो बताओ जरा। तो उनके 100 रुपए के नोट पत्नी के पास है ना, ओम शांति शांति, एकदम ठंडे हो गए, क्या बात है, पत्नी के पास है ना, अपनी ही तो है, क्या पड़ता है, कोई चिंता नहीं।
पत्नी के पास नोट गया कोई चिंता नहीं है, अपने हिंदुस्तान में तो नहीं होता है, अभी तक शुरू हुआ है, विदेश में तो थोड़ी बात में जब जय श्री कृष्ण हो जाती है, वही पत्नी जो हमारे सारे नोट की मालकिन थी, अब अगर 6 कप घर में है 4 कप ले जाने लग जाएगी तो उसके तब तक तब तक वाली दशा हो जाएगी, बंटवारा हुआ 3 कप तेरे 3 कप मेरे। अगर सब हमारे हैं तो अगर नोट यहां चला गया तो क्या परेशानी है, यहां चला गया तो क्या परेशानी है, यहां चला गया तो क्या परेशानी है। मुरारी के संबंध से जब सब जग अपना है तो फिर कहीं कोई चला गया, मैंने ना खाया इन्होंने खा लिया, मैं गाड़ी पे ना बैठा ये बैठ गए, मैं ऊपर ना बैठा ये ऊपर बैठ गए, अपना अगर ऊपर बैठे तो हमको ज्यादा सुख, फिर उससे दुखी नहीं होते। वो हमने आपको सुनाया था ना, आज नदियां हुआ तो मारत हुआ, नादियों ने कूटा था उसको, वो 4.5 फीट वाले को, और फिर भी बड़ा प्रसन्न है, आज नदियां हुआ तो मारत हुआ, न होते तो के मारत, अरे इन्होंने मारा है मेरे ही तो हैं, मार दिया तो क्या हुआ। हमारे दांत अगर हमारी जीभ को काट दें, कोई दांत तोड़ता है, दर्द हो रहा है, खून निकल रहा है, दवाई कर रहे हैं लेकिन दांत को क्यों नहीं तोड़ रहे हैं, दांतों ने हमारी जीभ काटी है, दांत भी मेरे जीभ भी मेरे, मैं किसको, आगे से सावधान रहना बस, कहां राग रह जाएगा, कहां द्वेष रह जाएगा, कहां दुख रह जाएगा, कहां क्लेश रह जाएगा, अशेष संक्लेश समाप्त, सारे के सारे क्लेश दूर हो जाएंगे। मेरी बात नहीं मानी गई, मैंने इतना किया और मेरा अपमान इस तरह करते हैं, मेरे को रिजेक्ट करते हैं, अरे मेरे ही तो हैं, हमारे नदियां हुआ तो मर ले हुआ, सारा दुख खत्म। तो माय डियर, भगवान का मुरारी का ये जो गुणानुवाद है, जो श्रीमद भागवत कथा आप सुन रहे हो, बल्कि सुन चुके हैं, अब क्या, अब तो खाली टाइम बिताया जा रहा है, क्योंकि अब नौकरी है, 8 तारीख तक छोड़ेंगे नहीं, तो अब यही करें, बाकी भागवत हो गई पूरी, जिनको भागवत हो गई वो प्रसाद पाके और गच्छ कर सकते हैं, बाकी जिनको कथा सुनी हो बात अलग है, गप सुनी हो, बाकी भागवत हो गई। एतावदेव जिज्ञास्यम तत्व जिज्ञासुना पना अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा, हो गई भागवत, इतने को सुनना है। लेकिन फिर भी अगर तुम भी बैठे रहोगे तो अभी अपने भी बैठे रहेंगे, क्या फर्क पड़ता है, अभी तो 15 मिनट बाकी है, 1 मिनट और ऊपर खींच ले जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है, पंगा तो पक्की है तुम्हारी भी और अपर क्लास, सर्कस में रिंग क्लास महंगा होता है, ऊपर की सीटें सस्ती होती है, तो आप लोग जमींदार हो ना, रिंग में बैठोगे और हम जरा ऊपर वाले में बैठेंगे, चौकीदार को वही सीट मिलती है, जमींदारों को रिंग रिंग सर्क सबसे महंगी सीट होती है, सर्किल में सर्विस। तो खैर कथा हो, भगवान के गुणानुवाद अशेष संक्लेश सम्यक प्रकारेण क्लिशयन्ति ते, पूरी तरह से दुख देने वाले जो अनुभव हैं, अशेष माने समूल जड़ से नष्ट। गुणानुवाद भगवान मुरारी का गुणानुवाद, तो अब भगवान मुरारी के गुणानुवाद करेंगे, जितना भी करेंगे जितना भी सुनेंगे वो सब एक्स्ट्रा है, भागवत कथा को तो अब कथा में आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मा को नारायण ने कहा तुम सृष्टि करो, आज्ञा दे दी बस, जैसे उपनिषद में एक गुरु ने अपने शिष्य से कहा जाओ, आए तो महाराज मुझे मोक्ष का मार्ग बताओ, ठीक मंत्र बताया, ऐसे ऐसे करना, ऐसे जब करना तो ले जाओ, ये मेरी गैया हैं, जब 1000 हो जाए तो आ जाना,
आज के चेले होते तो कहते वाह महाराज वाह, न लैट्रिन ना बाथरूम अटैच, फैन भी नहीं, कूलर ना दे, फैन तो हुए, शाम को एक गिलास दूध भी नहीं, दूध मिला तो घर में हुई खटपट, चल बाबा के मठ पर, और बाबा ने बताया कहा अपने तो रम दे रहा क्या लंगोटी लगाई है, कहीं घूमेंगे, 1000 हो जाए तब आ जाना, वो कथा सुनाएंगे किसी को अगर ध्यान हो गया, जाओ गैया चरा, और उस गैया के चराने मात्र से वो ब्रह्मविद वरिष्ठ हो गया, उस मंत्र दृष्टा ऋषि हो गया, वेद में उसके दृष्ट मंत्रों का उल्लेख गैया चराने का, बोलो न खाने का इंतजाम, न पहनने का, रूम एयर कंडीशनर और कूलर और पंखे, कपड़े लत्ते, खाना पीना कुछ नहीं, जाओ गैया चरा कच्छ बस, तो आज्ञा ये नहीं कहा कि क्या मेटीरियल कुछ कुछ नहीं, सृष्टि करो, तो पहले मानसिक सृष्टि करी और नारद जी ने आके सबका कल्याण कर दिया, और फिर ब्रह्मा जी ने सोचा कि ही अब तो कुछ ऐसा काम करो हो कि बस, तो भगवान ने ब्रह्मा जी ने एक आदमी बनाया और एक औरत, एक पुरुष बनाया और एक स्त्री बनाई, बस जिस दिन से ब्रह्मा जी ने एक स्त्री और एक पुरुष बनाया न तब से ब्रह्मा को चैन और न अरे ऐसे बात नहीं कह रहा हूं, अभी सुना भागवत में आया ब्रह्मा जी चिंतन की सृष्टि कैसे हुए, उनके शरीर के दो भाग हो गए, एक मनु बन गए और एक शत्रु, याद आई ना, मनु शत्रु तो बने, जिनके पुत्र होने का हम सब मानव कहलाते हैं, तो मन और शत्रुपा के रूप में भगवान ब्रह्मा का ही शरीर विभाजित, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कोई अलग अलग नहीं, एक ही है, एक ही से निकले हैं, एक में ही मिलेंगे, केवल व्यवस्था के लिए एक धारण करे, एक प्रदान करे, एक ने प्रदान किया, एक ने धारण किया, एक कमा के लाया, एक ने संभाल के रख दिया, एक ने उत्पन्न किया, एक ने पीसा बनाया खिलाया, परस्पर भाव, एक रथ का पहिया इसको सहारा दे, ये पहिया इसको सहारा दे, दोनों पहिए एक दूसरे के आश्रय से और सीधे सीधे चलते चले जाएंगे, लक्ष्य की प्राप्ति, पति और पत्नी संपूर्ण अंग है, जब तक विवाह नहीं होता है तब तक मनुष्य हीनांग होता है, इसीलिए जब संस्कारों की चर्चा आएगी आप लोग अगर याद कराओगे तो मैं आपको बताऊंगा विवाह संस्कार को हीनांग पूर्ति संस्कार कहेंगे, तो ये दोनों मिलके एक है, पति और पत्नी, इसीलिए कहा जाता दो देह और एक वेद में ये प्रार्थना की जाती है, हम लोगों का विचार एक हो, हम लोगों का चिंतन एक हो, हम लोग माने पति और पत्नी, हम एक तरह सोचे, और घर में सुख का, हमारे कानपुर में एक जने हैं, नाम नहीं लेता हूं, उन्होंने कहा विवाह के पहले दिन हमने अपनी पत्नी से कह दिया अगर कोई बात हम लोगों की आपस में ऐसी हुए तो हम लोग अकेले का बैठ जाए,
तुम अपनी बात समझाने की कोशिश करो, हम अपनी बात समझाने की कोशिश करें, जो एक दूसरे को समझा ले जाए, दोनों समझने की कोशिश करें। पक्के ना नहीं, नहीं जो करना वो सही मूर्खता। हम अपनी बात प्रस्तुत करें, तुम अपनी बात प्रस्तुत करो, जिसकी बात एक दूसरे को सही लग जाए उसकी बात मान जाओ, कोई अभिमान नहीं रखो। कह रहे महाराज उनके लड़के का विवाह होने जा रहा है थोड़े दिन में, और करे आज तक हम लोग झगड़ा होने की नौबत ही नहीं है। उनकी पति कहते आप तो मेरे हर बात मना ले जाते हो, मैं क्या करूं? तो क्या तो तुम मना दिया करो हमको, हम तुम्हारी बात मान लेते हैं। झगड़ा होता ही नहीं, झगड़ा तब होता है जब पति कह मैं जो कह रहा हूं वो सही है, क्योंकि घर का स्वामी मैं जो कहूं कि समय रात है तो 2:08 है तो भी कहना पड़ेगा रात, तो झगड़ा पड़ेगा। पत्नी कहे नो क्रा स्वामी जी मैं हूं, बाहर तुम हकम चलाओ, बिल के अंदर सांप भी सीधा चलता है, यहां तुम्हारी अकड़ नहीं चलेगी, यहां जो मैं कहूंगी वो तुमको मानना पड़ेगा। माही फिर तो फिर महाभारत के दूसरे विषय बहुत कमजोर पड़ जाए, महाभारत में क्या हुआ थोड़े समान एक धर्म के लिए पत्नी परिक्रह हुआ है, धर्माचरण के लिए काम आचरण के लिए पत्नी परिक्रह नहीं। काम का भी सेवन कर रहे हैं तो धर्माभिनिद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भर्तर्षभा, इसलिए काम का सेवन करते हुए ईश्वर की इष्ट की परमात्मा की उपासना करते हैं। काम भी हमारे मोक्ष का साधन, अर्थ भी हमारे मोक्ष का साधन। पति पत्नी बने, मनुष्य रूपा प्रकट हुए, ब्रह्मा जी से पूछा आज्ञा करो। पिता और गुरु को तब बहुत खुशी होती है जब शिष्य उनकी आज्ञा के अनुसार चल करके आज्ञा पालन के प्रस्तुत करते, आज्ञा करें सृष्टि करो, ठीक है महाराज सृष्टि को करेंगे, बाल बच्चे होंगे प्रयास करेंगे हम लोग, लेकिन उनके लिए रहने की कोई व्यवस्था है? वही कहाँ तुम बाल बच्चे कहाँ रहेंगे? तो बाल बच्चे कहाँ रहेंगे इसके लिए ब्रह्मा को चिंता, तो चिंता के साथ उनको तुरंत ध्यान आ गया अहमेवास्मेवाग्रे, भगवान ही सब जगह हैं, भगवान का ध्यान किया, भगवान की दूर थोड़ा देशे अर्जुन तिष्ठति, अब तुम हे कृष्ण द्वारिका वासिन करके उनको दूर कर दो, तुम्हारी इच्छा है। ईश्वर सर्वभूताना हृदेशे हृदय, तुमसे तुम्हारे कहीं अधिक नजदीक ईश्वर अनुभव करते। चिंता के बजाय आदमी चिंतन, ब्रह्मा ने चिंतन किया है उनकी नाक से। अब आपको सब आगे कथा जान जाओ, मैं जल्दी जल्दी सुना देता हूं, कथा आपको मालूम है, मूल बात आपको सुनी चाहिए। नाक से इतना बड़ा वराह निकला, अब ये तुम लोगों को अभी पता नहीं है, अब क्या करो, कितना जानो को फायदा वादा नहीं, मैं भी जान करके और गंगा के किनारे माला फेर करके भूलने की कोशिश की, कोई फायदा नहीं बहुत अधिक शास्त्र दिमाग भरने का, बस 2.5 आकार बहुत है। पोथी पढ़े पर जग हुआ पंडित भया न कोए, 2.5 आकार प्रेम का पढ़े सुखन, तो क्या तन्मात्राएं हैं और क्या उसके गुण हैं ये सब छोड़ो। नाक खुशबू देती है और पृथ्वी का लक्षण गंध है, इसलिए नाक का और धरती का संबंध है, धरती ही नाक बन गई है ऐसा समझ मोटे, तो तन्मात्राएं और ये और पंच तत्व ये सब जगतवाल है, तुम यही सोचो धरती की खुशबू नाक लेती है इसलिए नाक और धरती का संबंध। और ये जो बरा है सुअर, बरा माने सुअर, इसका धरती से बड़ा प्रेम है, धरती की गंदी से गंदी चीज को वो आत्मसात कर देता है जिससे धरती स्वच्छ हो,
बड़ा भगवान नाच निकले, बड़े भारी हो गए और बड़े भारी हो करके और फिर प्रार्थना की, महाराज अनुग्रह करो, तो वो समुद्र के अंदर घुस गए जाते। अब देखो समुद्र में पृथ्वी तभी एक माने क्या है, हमारे वेदांतियों से पूछो अभ्या पृथ्वी, पृथ्वी की उत्पत्ति जल से हुई, उस परमात्मा से आकाश हुआ, आकाश से वायु हुई, वायु से अग्नि हुई, अग्नि से जल हुआ, जल से पृथ्वी हुई, ये क्रम है, वही कथा हो रहा है। बड़ा बड़ा भगवान अद्भ्या पृथ्वी, पृथ्वी निकालने के लिए, पृथ्वी को अपना समझने वाला वहां एक राक्षस मिल जाता। कौन राक्षस था तुमको सबको कथा मालूम है कौन था? हाँ, हिरण्याक्ष वहां बैठा था। हिरण्याक्ष को असुर क्यों कहा गया माय डियर? हमारे शास्त्रों में हर शब्द की व्याख्या है। असुसु रमन्ते ये खलु असुरा, जो इंद्रिय लोलुप होना वो असुर कहलाते हैं। अपने पेट भरने वाले उदरम भर जो हैं वही असुर है। चलो मैं भी घड़ी बंद कर देता हूं, दिमाग उधर जा रहा है, ऐसे कर ये मैं कहीं तो कुछ जगह पहुंचा देना, तभी खराब लगता है ये बात चालू की है। मैं इधर घड़ी माताओं को प्रणाम करता हूँ, घड़ी मारे इधर मुखिया, बाकी को आप भी ये सबूत कहा जाऊंगा, आपको छोड़ करके जाओ कहा तभी थोड़ा घड़ी से दर्द रहा। ओके, असुर किसे कहते हैं उसकी परिभाषा क्या है? तो पहले श्लोक सुनाता हूं और फिर कथा सुना करके उस बात को पुष्ट करता हूं। एते सत्पुरुषा परार्थ घटका स्वार्थान परित्यज्य, देवता कौन है जो अपना स्वार्थ छोड़ करके दूसरों के कल्याण की चेष्टा करते हैं? जैसे महापुरुष अपने स्वार्थों को छोड़ करके आपके ऊपर कल्याण करने के लिए पधारे हैं सत्पुरुष। धरती पे अभी विराज रहे हैं केवल तुम्हारे कल्याण के। वो कल वाली कथा थोड़ी जरह गई कि राम जी झूठे हो रहे हैं, तो उसको भी टिकली जल्दी निपटाता हूं। चलो सब चीजें निपटा देता हूं। अब राम जी झूठे थे, राम ने कहा मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पाव निज सहज स्वरूप, भगवान के जो दर्शन करेगा उसको सहज स्वरूप की प्राप्ति। देखने का मतलब दर्शन नहीं है, समझे? जैसे दो शरीर स्त्री के बैठे हैं, एक पुरुष अलग खड़ा है, दोनों शरीरों से वो प्रेम करता है लेकिन और दिखाई एक ही तरह पड़ रहा है, कोई भेद नहीं, एक ही जैसा उनका बॉडी का स्ट्रक्चर है, डिजाइन एक जैसी है, लेकिन एक को किसी और तरह देख रहा है, एक को किसी और तरह देख रहा है, क्या मतलब है? दृष्टि से नहीं, दर्शन से। ये मेरी बहन है और ये मेरी बहन की पत्नी को भी प्रेम करता है, पत्नी की ननद को भी प्रेम करता है, ये भेद दृष्टि में नहीं है, दर्शन में है। दर्शन माने जो दिख रहा है उसको किस तरह से ये है ये जानकारी। राम जी को देखना एक अलग बात है, को तुम श्यामल गौर शरीरा, हनुमान जी ने देखा ही नहीं देखा,
लेकिन देखने के बाद दर्शन नहीं हुआ। ओ तुम कौन हो? इन्हें विलोकत अति अनुरागा बरपस ब्रह्म सुखाई मन त्यागा। ये दोनों राजकुमार कौन हैं? ये किसी राजा के बेटे हैं या ये ऋषि के पुत्र हैं? जनक जी ने देख लिया था लेकिन दर्शन कब हुआ? जब गुरु जी ने बताया कौशलेश दशरथ की जाए यहां और यही बात उनको। तो दर्शन का मतलब क्या है? जब ये सामने दिख रहा है उनको ये संत कृपा करके दृष्टि प्रदान करके और हमको लखा दें। लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु स्थिति जो कही जाती है, लक्षण और प्रमाण इन महापुरुषों के द्वारा प्राप्त होते हैं। जिस दिन ये संत हमको राम जी के दर्शन करा दें उसी दिन हमें अपने सहज स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए मम दर्शन के लिए इन संतों की चरण शरण में शास्त्र के स्वरूप ये महापुरुष हैं। भगवान की उपेक्षा एक बार हो जाए लेकिन संत की उपेक्षा कभी नहीं करनी चाहिए। जीवन में जब बसंत आता है तो बहार आती है और हमारे जीवन की बगिया में कब बहार आती है? जब हमारे जीवन में कोई भगवान राम झूठ नहीं कह रहे। देखना अलग है दर्शन। संत दर्श संत दर्श जीवी पातक है। भक्ति नारद जी से कहती है आप जैसे महापुरुषों के दर्शन अर्थ हर। एते सब पुरुषा परार्थ घटका स्वार्थान परित्यजी। ये देवता मनुष्य कौन है जो अपने स्वार्थ की हानि किए बिना, मेरा नुकसान न हो लेकिन दूसरों का काम बन जाए, ऐसे पुरुषों को मनुष्य कहा जाता है। भाई मेरा काम न बिगड़े चलो भाई तुम्हारा काम भी हो जाए, ये मनुष्य। देवी मानव राक्षसा पर हितम स्वार्थाय निघ्नन्ति। जो अपने स्वार्थ के लिए दूसरे के हित की हानि करते हैं वो राक्षस। और ये निगनंति निरर्थकम पर हितम ते के न जानी महे। जो व्यर्थ में किसी के बिना किसी का जीव बिनकार दाहिने बाएं दूसरों की हानि करते हैं, श्लोककार कहते हैं के न जानी मैं वो कौन है, हम बता नहीं सकते हैं, वो तो राक्षसों से भी जाना। अशुशुरवंते मेरा ही काम सिद्ध हो जाए, मैं ही सब इकट्ठा कर लूं, वही हिरण्याक्ष। हमारे इन विद्वानों से पूछो हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु भाई भाई। ये जब पैदा हुए हैं तो एक एक दिन में कितने कितने बड़े हो गए। कथा आता है कि उसका मुकुट आकाश को छूता था, लगता है कि किसी ही भांग खाए वाले ने कथा लिखी है ना। मतलब ये लोभ है, जितना मिलता है उतना ही बढ़ता जाता है। हमारे संत 99 की कथा सुनाते हैं, जितना जितना मिलता जाता है उतना ही उतना कम होता चला जाता है। सब तो मेरे जीवन की घटना है। अब काशी में रहते थे। अच्छा चलो आप एक घटना नहीं सुनाए, बोल सुनाएंगे इसको सुनते। तो उस समय हम बड़े दर्जे में नहीं चलते थे, थ्री टायर में। उस समय उच्च रिजर्वेशन नहीं करा पाए वरना रिजर्वेशन करा के जाते थे। रिजर्वेशन नहीं करा, भीड़ बहुत थी। दून एक्सप्रेस की बात है, चलो ये भी बता देता हूँ। बनारस से दून एक्सप्रेस से मैं जाने वाला, भीड़ बहुत थी, रिजर्वेशन था नहीं। तो
खराब है, टीटी दिखाई पड़ गया। जिस समय रिजर्वेशन ना हो उस समय टीटी के दर्शन श्याम सुंदर के दर्शन से कम है। उसका श्याम सुंदर दिखाई पड़े, मैंने कहा टीटा मेरे पास रिजर्वेशन नहीं है, आप चलिए बना। तो मैं जा करके और उस थ्री टायर के डिब्बे में एक तरफ ऐसे करके खड़ा हो गया, रिजर्वेशन था नहीं ना। वो गरीब आदमी पत्ते से हल्का होता है, पत्ते को तो हवा से उड़ना पड़ता है, और तीन आदमी तो बेचारा वैसे ही डर के मारे ही डर। कोई कुछ बोले कहा है पाड़ी, रिजर्वेशन कराया है, घुसिया है, बाबा जी, बाबा जी को कोई भी गाली दे दे, कोई भी पूजा कर दे, बोलो तो देशों में हमको टीवी निकाल कहाँ से कहूंगा। ऐसे किसी के देश छू न जाए कि तूने मुझे कैसे दिया बिना रिजर्वेशन है, तो हमको दे के टीवी गए। आप महाराज बैठ जाओगे मेरा रिजर्वेशन, आओ ना, आओ आओ बैठो, तो मैं आकर के बैठ, आप तो टीवी देखा कोई सीट है मिले सीटा सुना। तो पहले खड़े होने के लिए फिर बर्थ है, लोअर बर्थ मत देना, अभी बैठने के लिए नहीं कि खड़े होने के लिए, लोअर बर्थ मतलब मिडिल बर्थ मत देना। नहीं नहीं महाराज जी आपको अपर देंगे या लोअर देंगे, नहीं लोअर देना, लोअर। अच्छा सुनो, और अभी सीट खड़े होने की, फिर बैठने की, फिर बर्थ, फिर अपर नहीं लोअर, और लोअर में भी लोअर बर्थ में अगर कोई नीचे पटरा खाली कर दे तो ऐसे बैठे मारा फेंक दो। तो अब सीटें फिर मिलती, खड़े होने की बात, बैठने की जगह सीट मिल गई, अपर नहीं लोअर मिल गई, और फिर ऐसा करना। और मुझे खुद हंसी आ गई, अगर साइड लोअर मिल जाए तो अच्छा है, और कहेंगे हम हंस दिए तो भी जोर लग गया। मैंने कहा इसकी कोई कोई सीमा है, जितना जितना वो देता जा रहा है हमारा लोभ ये मेरे साथ है, आप लोग ऐसा नहीं करते हो। अपनी गलती से बता देता जितना मिले उतना। यही लोभ की प्रवृत्ति हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु, ये हमारी प्रवृत्तियां जिसकी सोने में ही आंख धरी हुए हिरण्य अक्षणी जैसे रात्रि सोना ही सोना देके कहां से मिले। भज कलदारम भज मूढ़ मते, रात्रि सोने की ही चिंता करने वाला, सोने पे ही दृष्टि रखने वाला अति लोभी हिरण्यकश्यप, और अति विलासी हिरण्यकश्यप, जितना मिल जाए वो कम है। खड़े होने की सीट, बैठने की सीट, लेटने की सीट, की नहीं ऊपर की नहीं साइड, ये जो बढ़ता जाना है विलास बढ़ने की साथ। हिरण्यकश्यप कश्यप वाले बिस्तर, जो सोने के बिस्तर पे सोता हो अर्थात बहुत भोगी, जितने जितने भोग पदार्थ मिलते हैं उतने ही उतना भोगने की इच्छा बढ़ती है। भोगा ना भोगता, लेकिन भोगने सुख भोगने की, हाँ, और कभी तृप्त न हो पाए। अग्नि में जितनी आहुति दो उतने ही बढ़ती है, उसी प्रकार जितने जितने भोग देते जाओ उतने उतने भोग की अग्नि बढ़ती जाए। कर्तव्य, अभी आगे कर्तव्य की कथा है। तो हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष ये हमारे अंदर है, बाहर इस प्रॉपर्टी का मालिक फलाने सिंह, धरती के मालिक फलाने सिंह हो सकते हैं। हमारे आश्रम में अब तो नहीं, भगा दिया उसको, एक बंदा रहता था, कई लोगों ने देखा होगा, उसकी बदरिया की तरफ अगर कोई देख ले तो ऊपर से झम से कूद के काट खाता था। मेरी बदरिया का क्या देख रहा है, अब हम उसकी बदरिया का क्या करेंगे, कोई चटनी बनाएंगे या अचार बनाएंगे, लेकिन उसका था कि मेरी बदरिया है, आके झम से काटता है।
बदरिया की रक्षा के लिए बंदर सदा सचेत है, मेरी बदरिया तो तू कैसे बन जाता है? मत ये जैसे रहते हैं उसी तरह से लक्ष्मी का पति कौन है? लक्ष्मी का पति कौन है? और अगर फोकट लाल लक्ष्मी पति बनने को तैयार होंगे, बंदर अपनी बदरिया का इतना ध्यान रखता है तो नारायण छोड़ देंगे? मेरी बीवी का पति बनेगा? गदा और चक्र दोनों ही तेरे सिर पे, और तब दुखी हो। लक्ष्मी पुत्र बनो, माता के स्तर को या तो पुत्र स्पर्श कर सकता है या पति कर सकता है। पति बनने की कोशिश करके स्पर्श करोगे हाथ काट दिए जाएंगे, पुत्र बन के करोगे तो माता आ बेटा पिता कहा पिला दो पिला उसको दूध पिला दो पिला, पिता भी कहता दूध पिलाओ, और पति बन के कोई आएगा हाथ तो दोनों सुख ले रहे हैं। पुत्र बन करके लक्ष्मी पुत्र बनो, नारायण के बेटे बनोगे, नारायण के अंगत बनोगे, लक्ष्मी अपने आप तुमको स्तन स्पर्श कराएगी पिलाएगी। हिरण्य पशु तू और हिरण्याक्ष मत, वरना वाराह भगवान को आकर के युद्ध करना। ऐसे आसानी से कोई छोड़ता नहीं संपत्ति, पर चमड़ी चली जाए अच्छे कामों में पैसा देने के निकलता है। सोच के आते इतना देंगे, रास्ते में 50%, आते आते 25%, और यहां से 10% भी निकल जाए तो बहुत। हिरण्याक्ष ये निकलता नहीं है। यज्ञ के बहाने, बड़ी साइंटिफिक चीज है, आप यही इसको पूरा कर देंगे। यज्ञ के स्वरूप के ऊपर फिर तो हमारा कितना भी ध्यान न दें आंखें नहीं जाए लेकिन बुद्धि नहीं लगी, ये सवाल लोग रहते हैं तो काहे को टेंशन आपके दिमाग में शायद ना हो, हमारे तो है, तो अपने टेंशन को काहे को रखो। तो जो ये वराह भगवान है ये यज्ञ के स्वरूप, यज्ञ का मतलब क्या है? द्रव्य यज्ञ तपो यज्ञ ज्ञान यज्ञ तथा परे स्वाध्याय इत्यादि। यज्ञ का मतलब क्या है? सर्कुलेशन, सर्कुलेशन का नाम यज्ञ। जैसे अब ये भागवत यज्ञ हो रहा है, प्रवचन यज्ञ हो रहा है, अब इस यज्ञ के लिए टेंट वाले को पैसा मिला, बिजली वाले को पैसा मिला, माइक वाले को पैसा मिला, इलेक्ट्रिसिटी वाले को पैसा मिला, कारपेट वाले को पैसा मिला, चौकीदार हुआ है उनको पैसा मिला, एक जगह इकट्ठा पैसा इतनी जगह सर्कुलेट हो गया, इसका नाम यज्ञ। जो ज्ञान थोड़ा जितना भी यहां था वो सर्कुलेट हुआ, वहां से ज्ञान यहां सर्कुलेट हुआ, यहां से ज्ञान यहां सर्कुलेट हुआ, ये यज्ञ। यज्ञ का मतलब दूसरे को देना। सा यज्ञ प्रजा सृष्ट्व पुरोवाच प्रजा, यज्ञ नारायण है, यज्ञ नारायण है माने देने की प्रवृत्ति नारायण के निकट रखिए। हम तुमको दें तुम हमको दो, परस्परम भावयन्ता श्रेया। ये पृथ्वी यज्ञ के आधार के है, वराह पृथ्वी पति है, धरती पति है, शीश्चते लक्ष्मी च पत्न्यौ, धरा पति है भगवान, रक्षा करते हैं ये वराह भगवान, यज्ञ के स्वरूप हैं। पृथ्वी को हिरण्यकशिपुओं से हिरण्याक्षों से छुड़ा, और
सबके लिए, समष्टि के लिए, जनार्दन के लिए अर्पित कर देते हैं। जब धरती स्थापित हो गई तब फिर उसमें सृष्टि की बात आई। मनु जी के तीन कन्या हैं, आकृति और सबसे पहले देवभूति जी का वंश का वर्णन आता है। उसके पहले पूछने पर ये हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष थे कौन, तो उनका वर्णन गुरुदेव बताते हैं। ये वस्तुतः सब भगवान के राक्षस और देवता सब भगवान में ही हैं। राक्षस कौन बन गए? जिनके ऊपर संत की अपदृष्टि हो गई। संत कौन बन, देवता कौन बन गए? जिन पे संत किसी ने बस इतने ही तो। वैकुंठ जहां भगवान विराजते हैं, वैकुंठ किसे कहते हैं? वो है, वो ठीक है, विकुंठा बुद्धि इसी का नाम वैकुंठ है। कुंठा रही बुद्धि का नाम वैकुंठ है, जहां लक्ष्मी सहित नारायण विराजते हैं। उनके दरवाजे पे जय और विजय दो पहरेदार हैं। विकुंठा बुद्धि के लिए इंद्रिय जय और मनोविजय आवश्यक है। जो अपने इंद्रियों के ऊपर अंकुश नहीं रख सकता है, जो मन के ऊपर नियंत्रण नहीं कर सकता है, उसकी विकुंठा बुद्धि नहीं हो सकती है, वहां पर नारायण का वास नहीं हो सकता है। ये जय विजय पहरेदार है, माने वैकुंठ में विकुंठा बुद्धि में नारायण के पास पहुंचने के लिए इंद्रिय जय और मनोविजय द्वारपाल है। इनकी परमिशन ये जब हो जाए तब अंदर जा सकते हैं। भगवान के दरवाजे पे जय विजय पहरेदार खड़े हैं। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार आए, भगवान की लीला से इन्होंने सोचा कि नंग धड़ंग चले जा रहे हैं, लक्ष्मी जी के संग कुछ प्राइवेट बातचीत हो रही, रोका। उन संतों को क्रोध आ गया, ये सब क्रोध क्यों आया वैकुंठ में, ये सब संयम भगवतों का, ये सब भगवान की माया। इसका कोई एक्सप्लेनेशन तर्क से पूछो नहीं, सब तर्क अंदर। सनातन सनत कुमार साक्षात ब्रह्म रूप है। क्रोध आया, भगवान के दर्शन तो हुए लेकिन वैकुंठ में उनका प्रवेश हो दिन। भगवान ने वहीं से चिकनी चुपड़ी बातें सुना करके उनको गेट आउट कर दिया। अरे ये तो हमारे सेवक हैं, आप मेरी दाहिनी भुजा भी अगर आपका विरोध करें उसको काट के फेंक सकता हूं। सब कह दिया, अंदर नहीं। वही मुनियों के शाप के कारण, शरद कुमारों के शाप के कारण जय और विजय भगवान के पार्षद होते हुए अगर प्रमाद करोगे कहीं पर भी पतन हो सकता है। इसलिए सदा सावधान रहें। बड़ों की सेवा वालों को तो और अधिक सावधान रहना चाहिए, क्योंकि उनके पास बड़े ही बड़े हैं और भी आएंगे बड़े भी। तो इस तरह से माय डियर उनका पतन हुआ है। दीदी और कश्यप के माध्यम से ये धरती पे प्रकट हुए हैं। दिति और कश्यप की कथा आगे कैसी हुई, ये कैसे उत्पन्न हुए, इसकी चर्चा हम लोग भगवतता से आगे करने का प्रयास करेंगे। वैसे तो भागवत हुई थी जैसा हमने यहाँ से प्रार्थना की। अब ये तो 8 तारीख तक अपने और बाकी जो दिन परीक्षित के हैं वो सुखदेव जी को काटने हैं, और हम आपकी सेवा में प्रस्तुत हैं। लेकिन जो भागवत आपने सुनी है अगर आपने उसका किंचित भी मनन किया, किंचित स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्राय विभाग होता है, तो इससे हमारा तो कल्याण जरूर होएगा, थोड़ा बहुत आपका भी कल्याण होगा। इसका मनन करो। मैंने बताया था सौ के बाद मनन होता है प्रारंभ में, इसीलिए प्रार्थना की गई थी मनन करना। मनन कैसे होता है? उत्पत्ति और उत्पत्ति के द्वारा। वही चेष्टा की जा रही है।
और हम लोगों ने सुना था अशेष संश्लेष समम विदधति गुणानुवाद भगवान का संकीर्तन सब क्लेशों का नाश करता है। तो दो मिनट भगवान मुरारी का संकीर्तन किया जाए और फिर आरती और आरती के बाद हरिहर